Hello everyone. Good evening. Am I audible? Am I audible? Hello. Am I audible? So is audio. Oh my God. Audio video is everything okay? Audio video is everything okay? First of all, chalo. Hi everyone, Avishi, Jyoti, Monu, Anurag, then we have again Jyoti, Goldie, Anurag, everyone, welcome. So, सभी को welcome है मेरी तरफ से, ठीक है? So, I have checked the audio, audio is proper, everything, video is also even proper. बच्चा? So without wasting any time, चलो फटाफट से हम start करते हैं. First of all, let me give my introduction. My name is Bharati Jha. I am your business studies educator in the category of CBSE class 11 and 12. Okay, तो ये मेरी profile है. I have done my master's in commerce. I have also done diploma in international business. I have qualified my CTET examination. I have mentored many students. So you can see here I am. और सामने भी live दिख रही हूँ, पहचान सकते हो easily अब. और जो भी बच्चे नए हैं इस क्लास में, जिन्होंने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है अन अकेडमी पर, आप मुझे फटाफट से अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो. अन अकेडमी के प्रोफाइल लिंक जो है ना बच्चा, मेरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप जा करके फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, वहाँ पे मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल दी हुई है. आप मुझे फटाफट से अन अकेडमी पर भी फॉलो कर लो. तो जिसने भी मुझे फॉलो कर लिया है अन अकेडमी पर, हेलो यश, अल्फी, असना, सो जिसने भी मुझे फॉलो कर लिया है अन अकेडमी पे, जल्द से फटाफट मुझे रिप्लाई कर दो चैट सेक्शन में कि मैम मैंने फॉलो कर लिया, ठीक है? फिर आगे के सेशंस को हम कंटिन्यू करते हैं. और बच्चा एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरी स्पेशल क्लास की ना आज हमारी 8:30 में 8:30 बजे रात को ना क्विज है हमारा अन अकेडमी के ऐप पर, ठीक है? अन अकेडमी की ऐप पर हमारी आज 8:30 बजे रात को क्विज है, तो फटाफट से मुझे अन अकेडमी के ऐप पर ज्वाइन कर लेना. इज दैट क्लियर? अन अकेडमी के ऐप पर ज्वाइन कर लेना 8:30 बजे, ओके? तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर लो. मेरे टेलीग्राम चैनल की नाम है बीजे विंग्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल करता हुआ. और मेरे यहाँ मतलब वेर आई, मेरी वीडियो जहाँ पे भी दिख रही है उसके नीचे जस्ट देखो बच्चा, मेरी टेलीग्राम चैनल की नाम भी अपीयर हो रही होगी, बीजे विंग्स. तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. मैम आपका न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है 1 सितंबर का? नहीं, अभी मेरी पुरानी कोर्स चल रही है ज्योति, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्लस प्लेटफॉर्म पर. तो अभी कैसे, अभी तो चल रही है ना पुरानी कोर्स, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही न्यू कोर्स आएगी ना बच्चा. तो अब यहाँ पे देखो बच्चा, आज आप लोगों ने देख लिया था ना कि आज हमारी टॉपिक क्या है. आज हमारी टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. अच्छा एक बात और बताना था मुझे बच्चा कि हाँ, मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मेरी जो है ना 8:30 में आज क्लास है. मैम मैंने ले लिया है सब्सक्रिप्शन इसलिए पूछा. अच्छा ले लिया है सब्सक्रिप्शन, दैट्स गुड. कोड कोड भी यूज कर लिया था. हेलो पूरब, कोई और कोड यूज किया था तो कोई बात नहीं. विकासु गुड इवनिंग. सो ये देखो बच्चा, ये सारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं, आप चाहो तो खुद को इनरोल कर सकते हो इन सारे बैच कोर्सेज में जो क्लास 11 के लिए इंग्लिश मीडियम वाले का है और हिंदी मीडियम के लिए भी है, दोनों के लिए है. नंदनी रफ गेम एवरीवन, हेलो हेलो हेलो. और ये रहे बच्चा फीस स्ट्रक्चर भी देख लो फटाफट से. तो क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो 22,524 मंथ्स के लगेंगे, 938 पर मंथ. 18 मंथ्स का लोगे तो 18,000 पर मंथ 1,000, 15 मंथ का 16,200 पर मंथ.
पर मंथ यू नीड टू पे ओनली 1080, 12 months के आपके, मैंने तो ले ली सब्सक्रिप्शन. अच्छा पिकाचू ने ले ली, बहुत बढ़िया. कौन से चैप्टर का क्विज है? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक का क्विज है ओवरऑल अनअकैडमी के ऐप पे 8:30 बजे. 12 months का लोगे तो 13,500 1125 पर मंथ, 6 months का लोगे तो 9,500 पर मंथ, 3 months का अगर आप लेते हो तो 2250 पर मंथ. नहीं ली है मैम सब्सक्रिप्शन. अच्छा नहीं लिया है तो पिकाचू जब भी लोगे तो मेरे कोड को यूज़ कर लेना, ठीक है. सो ये रही अनअकैडमी की प्लस आइकनिक की फीचर्स है. आइकनिक में क्या है, प्लस के फीचर्स तो मिलेंगे बच्चे, साथ ही साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे. जैसे आपको आइकनिक में ना पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, लाइक डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी प्लानर आपको दी जाएगी, और साथ ही साथ जो अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट है वो भी आपको मिलेंगे साथ ही साथ. ये रहे अनअकैडमी के आइकनिक के फी स्ट्रक्चर. 24 months का आपको 43,200 लग रहा है, जो कि अगर देखा जाए पर मंथ 1800 आपको लगेगा. 18 months का आपको 31,500 1750 पर मंथ, 15 months का 28,800 1920 पर मंथ, 12 months का 25,200 2100 पर मंथ, 6 months के लिए आपको बच्चा लगेगा 15,300 2550 पर मंथ, 3 months का आपको 10 मतलब 10,800 लग रहा है पर मंथ 3600. तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लो बच्चा, उसमें चाहे आप प्लस लो या आइकनिक लो, तो आप आपकी यूट्यूब वीडियो एनएफ सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सक्रिप्शन लोगे ना प्लस पे आओगे तो रेजर हैंड के फीचर्स मिलेंगे और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे. एक बार लेकर के देखो ना, ऐसे बताइए जिसने पेरेंट्स से कोई बात नहीं हो. तो आप प्लस लो, प्लस में आपको पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स कनेक्ट नहीं हो सकते हैं. हाँ एक आर का क्लास है ज्योति. एक बार जो भी सब्सक्रिप्शन नहीं हो ना, बहुत सारे पैसे इधर उधर करते हो ना, तो एक बार कम ड्यूरेशन का ही सब्सक्रिप्शन लेकर के देखो, यू विल गेट एडवांटेज. अगर एडवांटेज मिलता है तो आप उसको एक्सटेंड कर लेना, बट आई एम श्योर यू विल गोइंग टू गेट हैव अ वंडरफुल सेशंस. हाँ बस जस्ट अ मिनट पूरा. सो ये रहा रेज अ हैंड फीचर, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, कह सकते हैं ट्रेंडिंग फीचर है ये अनअकैडमी की. आप अपने हैंड को रेज कर सकते हो, अपने एडुकेटर से बातें कर सकते हो, यू कैन आस्क योर एकेडमिक इश्यूज आल्सो, जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है. ये मेरी है अनअकैडमी के अपकमिंग क्लासेस की शेड्यूल है बच्चा. आज देखो 28th of August है ना, तो आज हमारी क्विज है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये आज हमारी क्विज है 8:30 में. आ जाना फटाफट से, कोई भी लेट मत होना. हाँ पैसे वसूल है ज्योति, इज करेक्ट. ओके तो कोई भी लेट मत करना, आ जाना फटाफट से. ओके सो ये मेरी प्रोफाइल है, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को. सो सबसे पहले हमारा आता है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ नेम सजेस्ट, सोल मींस क्या होता है, ओनली प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर. तो यहाँ पे क्या एक, मतलब क्या दो ओनर है? तो आंसर इज नो. Answer is no. How many owners are there? So in sole proprietor, only one owner is there. Alisha, good evening. So there is only one owner. अब एक owner के तो फायदे जहाँ हैं, तो बच्चा नुकसान भी है. क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? Okay, ma'am, bye, ma'am. ये तो class 12 नहीं है. हाँ, this is class 11 session. क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये हम लोग देख लेते हैं फटाफट से. तो इसके ये फायदे हैं, जब प्रॉफिट की बात होती है ना, तो अकेले अकेले आप प्रॉफिट ले जाओ, और जब बात होती है रिस्क का, लॉस का, वो भी आपको अकेले अकेले बेयर करना पड़ता है. तो अकेला होने का, इकलौता होने का बहुत फायदा भी है, नुकसान भी है. तो बच्चे याद रखना कि जब भी हम फीचर्स पढ़ते हैं ना, फीचर में ही हमारा मेरिट्स भी छुपा होता है और डीमेरिट्स भी छुपा होता है, ठीक है. तो जैसे कि सिंगल ओनरशिप एक ओनर होते हैं, कंट्रोल भी एक ही के हाथ में होता है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं देखी जाती है. ओनर अलग और बिजनेस अलग, इट्स नॉट लाइक दैट. बिजनेस ओनर बोथ आर द सेम एंटिटी. अगर ओनर को कुछ होता है तो बिजनेस पे भी असर पड़ता है. इफ द ओनर दे डाई, अगर वो मर जाते हैं, तो क्या बिजनेस चलेगी फिर? आंसर इज नो, बिजनेस नहीं चलेगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपके घर, आपके पर्सनल एसेट को भी यूज किया जा सकता है टू रीपे द लोन. नो प्रॉब्लम आर्शिता, टू रीपे द लोन. यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो जब चाहे उसे बंद कर सकते हो. देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज.
यहाँ पे एक अकेला इंसान होता है, सोलो, मतलब एक इंसान है ना, एक इंसान बिजनेस को चला रहा है. अगर वो अकेला प्रॉफिट खा रहा है तो अकेला लॉस भी वही सहेगा. देयर इज नो नन अदर इज कमिंग टू बियर द लॉस. अब इससे फायदे क्या है? मेरिट्स ये है कि डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी कॉन्फिडेंशियल रहती है, किसी को बताना नहीं पड़ता है. यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट जो आ रहा है वो सीधा सीधा आपको मिलेगा. यहाँ पे एक कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं. तो जब हम अपने लिए करते हैं ना कुछ, तो लगता है कि और करें, अच्छा करें, बेहतर करें, क्योंकि इससे हमारा ही प्रोग्रेस होगा. तो सोल प्रोप्राइटर में एक बिजनेस जो होते हैं ना, बिजनेस पर्सन, उनको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे एफर्ट अपने लिए कर रहे हैं. वो किसी और के बिजनेस में एफर्ट्स को तो लगा नहीं रहे, अपने बिजनेस में ही लगा रहे हैं. लास्ट है कि इसको फॉर्म करना भी इजी है और साथ ही साथ इसको बंद करना भी इजी है, क्योंकि एज देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई कानून का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं. आपको जब मन किया स्टार्ट करो, जब मन किया बंद कर दो, कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने हैं नहीं. अब इसकी बुराइयां क्या है? जैसे पता है बच्चा, एक इंसान कैसे कितना पैसा ला सकता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स जो होते हैं ना वो काफी लिमिटेड होते हैं. उसके बाद यहाँ पे मैनेजरियल स्किल, मान लो एक इंसान, हम जानते हैं कोई भी इंसान उसमें सारे टैलेंट तो होते नहीं है. क्या ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि एक इंसान को सारी मैनेजरियल स्किल आती होगी? क्या वो एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा हर तरह का एक्सपर्ट, चाहे फाइनेंस एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, क्या वो हर फील्ड में वो एक अच्छा एक्सपर्ट बन सकता है? नहीं. तो बहुत सारे फील्ड में उसकी, मतलब उस एक्सपर्ट जो होते हैं ना, उस एक्सपर्ट बिहेवियर की कमी देखी जाएगी. तो हर चीज़ की उसके पास क्वालिटी नहीं हो सकती है. लास्ट आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यहाँ पे क्या होता है कि आपके पर्सनल एसेट को भी यूज किया जाता है. तो दिस इज वेरी रिस्की, दिस इज अ वेरी रिस्की एज वेल एज अ बोल्ड बिजनेस डिसीजन. और यहाँ पे बिजनेस की कोई लिमिटेड लाइफ नहीं है ना, सॉरी, कोई अनलिमिटेड लाइफ नहीं है. कहीं पर भी बिजनेस कभी भी कल्टी मार सकती है, कभी भी बंद हो सकती है. मान लो जो बिजनेस पर्सन है, जो ओनर है, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो अब उस केस में क्या वो बिजनेस कंटिन्यू करेगी? अब वो मतलब कह सकते हैं उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो बेड से नहीं उठ सकता. तो इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन वोंट बी एबल टू कंटिन्यू द बिजनेस फर्दर. लास्ट आता है यहाँ पे, एज यू नो दैट वेरी वेल की फंड की कमी होती है. इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसको एक्सपेंड करने के लिमिटेशन थोड़े कम होते हैं, नहीं एक्सपेंशन हो पाती है. अब बात करते हैं सूटेबिलिटी, कहाँ सूटेबल है. तो लाइक टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, ये सब छोटे मोटे धंधे आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. अब बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये क्या होता है, जहाँ पे हमारी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है. और कह सकते हैं ना, वो सारे लोग जो भी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, एंसेस्टर के प्रॉपर्टी को एज अ कैपिटल यूज करते हैं, अपने ही पैसे को वो लोग लगाते हैं, फैमिली मेंबर्स. तो इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. एज द नेम रिटन हिंदू, तो क्या ये हिंदू सोसाइटी में फॉर्म की जाएगी? तो ऑब्वियसली ये सारी जो बिजनेस होती है ना, ये इस तरीके जो फॉर्म होते हैं ना, ये बहुत कॉमन होते हैं हिंदू सोसाइटी में. और ये सबसे पुराना तरीका है, ओल्डेस्ट. और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोसाइटी में देखा जाता है. तो यू कैन से इट इज मेनली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है. अब इसको गवर्न करने के लिए कौन सी लॉ है? तो बच्चा, इसको गवर्न करने के लिए जो लॉ है, दैट इज हिंदू लॉ. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो होते हैं ना, जो सबसे बड़े वाले जो मेंबर होते हैं, एल्डर मेंबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ता. एल्डेस्ट मेंबर को हम क्या कहते हैं बच्चा? कर्ता. इसकी जो लाइबिलिटी होती है, देखो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो इसी तरह से कर्ता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो लाइबिलिटी भी ज़्यादा होती है. तो कर्ता जो होता है ना, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड मतलब कि कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतनी ही तक की लाइबिलिटी है. नो, देयर इज नो लिमिट एज सच लिमिट. बट जब बात करते हैं हम अदर मेंबर्स की, लाइक जो भी और फैमिली मेंबर्स होते हैं, लाइक को-पार्टनर्स, तो को-पार्टनर्स जो होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. अब देखो, कर्ता ने तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लिया है ना, तो कर्ता को ही डिसीजन मेकिंग का राइट भी होता है. कर्ता सुनता सबका है, लेकिन कर्ता ही डिसीजंस लेते हैं जो भी बिजनेस में, ठीक है. अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये गवर्न होते हैं. एहतेशाम वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, मैम क्यों फॉरेन में ऐसा नहीं होता? क्योंकि फॉरेन में हिंदू सोसाइटी फॉर्म नहीं होती है ना, हिंदू कल्चर्स नहीं देखे जाते हैं. हिंदू कहाँ पे दिखेंगे आपको? नॉर्मली इन इंडिया ओनली ना. और ये ओल्डेस्ट था, आज के डेट में इस तरह की कोई नहीं चलाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. तो इस वजह से ये सारे जो होते हैं ना सिस्टम, ये लोग आजकल नहीं चलाते इस तरह की बिजनेस.
अब फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है, तो फॉर्मेशन के लिए देखो ये वाली एक्ट हिंदू में कौन सी हिंदू लॉ मतलब कौन सी एक्ट इन्वॉल्व है। अभी एक बच्चे ने पूछा मैम एक्ट बताओ ना, तो यहाँ देखो बच्चा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो कैसे ये फॉर्म करेगी, कैसे अगर मतलब प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे गवर्न होती है, HUF एवरीथिंग इट इज रिटन इन दिस एक्ट। ठीक है, लाइबिलिटी यहाँ पे कर्ता की मैंने बताया ना अनलिमिटेड होती है, सॉरी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड होती है। कंट्रोल, अब देखो कर्ता ने पूरी जिम्मेदारी ली तो कंट्रोल मैम स्प्लिट हो गया ना, क्या स्प्लिट हो गया आशिता, क्या स्प्लिट हो गया आशिता, हल्दीराम एंड बीकन है, अच्छा हाँ हाँ हाँ। चलो अब यहाँ देखो कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता, अब कर्ता बेचारा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो डिसीजन मेकिंग में भी इसका अधिकार होना चाहिए, कर्ता का होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि कर्ता सुनता नहीं है बाकी का, कर्ता सुनता है लेकिन कर्ता वही है जो उसका मन करता है, कर्ता का मन जो करता है वही करता है, मतलब कर्ता इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन। कंटिन्यूटी कब तक होगी बच्चा बताओ, कंटिन्यूटी कब तक होगी, तो जब तक कर्ता का पोजिशन कोई खाली नहीं हो जाता है। मैम चैप्टर 3 हो गए 12th के, हाँ एहतेशाम फ्री क्लासेस में करवा दिया है। अब देखो मान लो बच्चा ए, मिस्टर ए था, मिस्टर ए के दो बच्चे थे दैट इज बी एंड सी। अभी मिस्टर ए क्या है, करता है, ठीक है। मान लो मिस्टर ए की हेल्थ इशू थी, मिस्टर ए का डेथ हो गया, ठीक है। अब जो बड़ा बेटा है दैट इज मिस्टर बी, और जो छोटा बेटा है, यंगर बेटा है, वो है मिस्टर सी। तो अब जो नेक्स्ट करता बनेगा वो कौन बनेगा, नेक्स्ट करता बनेगा जो एल्डेस्ट मेंबर है, मिस्टर बी बनेगा। माइनर को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो यस, क्योंकि जब एच यू एफ के बारे में हम बात करते हैं, जब हम एच यू एफ के बारे में बात करते हैं तो एच यू एफ के केस में क्या होता है कि आपको ना जन्म से ही उसके मेंबर बन जाते हो, ठीक है। अब पहले तो पता है, पहले था कि सर आपने अगर उस फैमिली में बर्थ लिया है तो आप मेंबर बन जाओगे एच यू एफ के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट आई, उस अकॉर्डिंग क्या है कि जरूरी नहीं है आपको बर्थ लेना, यू कैन बी अडॉप्टेड ऑल्सो। सो बाय बर्थ और बाय अडॉप्शन इफ यू आर रिलेटेड टू दैट फैमिली आप क्या हो जाओगे, एच यू एफ के मेंबर बन जाओगे। तो देखो इससे क्या है, अब माइनर बर्थ से ही, जन्म से ही, ठीक है। तो क्या माइनर भी आ गए 18 से कम से उम्र के भी आ गए, तो यस क्लोज हो रहा है ना मैम, अब ये बिजनेस क्लोज, हाँ अब इसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि इसके बहुत सारे बुराइयां भी है, मैं मोबाइल कंपनी पे मार्केटिंग इससे। चलो अभी डिवीजन हम लोग करें, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, आप आ जाओ 8:30 में बात करते हैं हम लोग अनअकैडमी के ऐप पे। मेरिट्स देखो अच्छा या क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, एक इंसान है, एक इंसान डिसीजन ले रहा है तो मेंबर्स कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कंट्रोल होते हैं, सारी चीजें अच्छे से मैनेज होती है। बिजनेस कंटिन्यू करती है क्योंकि मान लो अगर कर्ता मर गया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन वाले में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो बन जाता है कर्ता, ऐसे बिजनेस क्या होती है, खत्म नहीं होती है। पहले तो था क्या कि ओनली द मेल मेंबर्स विल बी अलाउड, बट अब ऐसा नहीं है, फीमेल मेंबर्स भी बनते हैं मेंबर कर्ता, इसके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से हुआ है। लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है, देखो मेंबर की लिमिटेड लाइबिलिटी है, अच्छी बात है, लेकिन बेचारा कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो ये बुरी बात हो गई, तो ये वाले पॉइंट को हम डीमेरिट्स में देखेंगे। अब देखो जब बात होती है सारे बिजनेस जो करते हैं, जो सारे लोग होते हैं बिजनेस करने में, अच्छा थोड़ा स्लो बोले, तो जो सारे लोग बिजनेस करते हैं ना मिल करके, वो सारे कौन होते हैं, वो सारे फैमिली मेंबर होते हैं। जब फैमिली मेंबर ही सारे मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो बताओ क्या एक दूसरे की तरफ वो वफादारी दिखाएंगे ना, तो यस यहाँ पे क्या होती है, वफादारी बहुत ज्यादा दिखती है, ठीक है, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर ही तो मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं बच्चा। अब लिमिटेशन क्या है, बुराई क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है, जो आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, जो आपकी, अब तो आप ना मोनू क्या करना, 0.5 जनरली वीडियोस हम लोग फास्ट करके देखते हैं, मेरी वीडियो को थोड़ी स्लो करके देख लेना रिकॉर्डिंग जब हो जाएगी। हाँ चलो अब देखते हैं, चलो अब हम देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स होती है क्योंकि सारे रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, हमारे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी से आते हैं, तो इस वजह से थोड़ी लिमिटेड रिसोर्स होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कर्ता की होती है, तो ये मैंने बताया था ना ये पॉइंट बुराई में आ जाएगी, पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है किसकी, मेंबर की, तो ये वाली अच्छी बात हो जाएगी, तो मेंबर के लिए अच्छा है बट कर्ता के लिए ये बात बुरी है। डोमिनेंस यहाँ पे कर्ता का देखा जाता है, जिस वजह से मेनी टाइम्स जो अदर मेंबर्स होते हैं ना उनका मुंह चढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारी बात, हमारा तो डिसीजन कुछ लिया ही नहीं चाहता है बिजनेस में, जो भी डिसीजन लेता है कर्ता लेता है, तो समटाइम्स इस तरह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होते हैं।
ठीक है, और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल जैसे ये बुराई है कि एक इंसान मतलब जितने भी फैमिली मेंबर के लोग हैं क्या वो सारे, अब देखो कर्ता डिसीजन ले रहा है ना, सारे डिसीजन ले रहे हैं कर्ता, ठीक है, तो कर्ता क्या सारे फील्ड में वो एक्सपर्ट होगा, सर्वगुण संपन्न होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. एक इज इट क्लियर? तो ये सारी बुराइयां थी. अब जल्दी से फटाफट से आंसर दे दो. द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाता है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, आंसर बता दो. जल्दी से फटाफट से आंसर बता दो, फटाफट से. कर्ता, अर्शिता ने बोला कर्ता, कर्ता गोल्डी ने भी बोला कर्ता, पूरब ने कहा कर्ता, और बच्चे बताओ क्या होगा? एहतिशाम बोल रहे हैं कर्ता, ज्योति बोल रही है बीबी इज ऑलरेडी कर्ता, कर्ता 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 कर्ता. तो एवरीवन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, सबके आंसर सही आ गए हैं. A major disadvantage of sole proprietorship is that the owner has dash liability. Owner की dash liability है क्या है? Liability लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, डिपेंड्स ऑन केस, नन. तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस का आंसर बताना. अच्छा पता है आज ना हमारी रात को ना 10 बजे भी YouTube सेशन है बिजनेस रिस्क टॉपिक पे, बिजनेस रिस्क टॉपिक पे 10 बजे रात को भी सेशन है, कोई बच्चे मिस मत करना, ठीक है? और जो भी अपने दोस्त हैं उनको भी पकड़ पकड़ के बुला लेना कि चलो बिजनेस रिस्क पढ़ने चलते हैं. आ जाना सभी कोई. हाँ, तो इसके आंसर क्या होंगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बेचारे के ऊपर पूरा बोझ रहता है ना. अब ये देखो, देयर इज अ लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट, HUF? नो, मैनी. क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर जल्दी से बताओ. जय श्री राम शरद. हाँ बच्चा, इसी चैनल पे है. टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी. नो, करेक्ट. जो भी बच्चे कह रहे हैं नो, तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए कोई भी कानून नहीं है. तो जल्दी से अब आ जाओ पार्टनरशिप की तरफ, जल्दी से पार्टनरशिप की तरफ आ जाओ. पार्टनरशिप क्या होता है? जहां पे, अच्छा कितने पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए पार्टनरशिप में? तो मिनिमम कितने होने चाहिए? टू और मोर पर्सन. जहां पे साथ में मिलकर क्या धूम धड़ाके करते हैं? नहीं, साथ में मिलकर के वो बिजनेस करते हैं. दे एग्री टू परफॉर्म सम बिजनेस. ओके, तो वो परफॉर्म बिजनेस करते हैं साथ में मिलकर के. और यहाँ पे कैसे बिजनेस करते हैं? वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. लॉफुल मतलब होता है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग हो, ऐसा नहीं हो कि लॉ के अगेंस्ट, कानून के. जैसे मान लो बिहार में शराब बंद है, तो शराब की बिजनेस आप बिहार में नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है. तो ऐसे बिजनेस करना जो कि कानून के अकॉर्डिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पार्टनरशिप, व्हेन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन, जहां पे वो साथ में मिलकर के कोई लॉफुल बिजनेस करते हैं और आपस में अग्री करते हैं कि हम लोग कुछ प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे. तो फॉर्मेशन यहाँ पे देखो बच्चा लिखा हुआ है क्लियरली. तो पार्टनरशिप के लिए कौन सी एक्ट इन्वॉल्व है? तो दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. दिस पार्टनरशिप एक्ट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन. उसके बाद ये एक लीगल अग्रीमेंट के थ्रू मतलब फॉर्म करती है. यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. इसकी एक एक्सेप्शन केस है, अभी ध्यान मत देना. इसकी एक एक्सेप्शन केस है LLP, जहाँ पे अदर पार्टनर्स जो होते हैं ना, कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और कुछ पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो वो एक्सेप्शन केस है, वो नया आया है हमारे सिस्टम में. पूछो एहतिशाम, रिस्क बियरिंग ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ये रिस्क बियरर भी कहलाते हैं, क्योंकि सारे बिजनेस की रिस्क ना वही होल्ड करते हैं. अब फीचर्स देखो और भी हैं. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सारे पार्टनर एक दूसरे से समझ बूझ करके डिसीजन लेते हैं. जिसके जो भी क्वेश्चन है आप सीधा क्वेश्चन पूछो, ये मत बोलो मैम वन क्वेश्चन, डायरेक्टली यू कैन आस्क द क्वेश्चन. एक पार्टनर अकेले खुद ब खुद कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है. ओके, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी? तो आंसर इज जब तक कोई पार्टनर, मतलब देखो तीन चीज पर डिपेंड करता है, डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी. अगर कोई पार्टनर पागल हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना. मैं पहली बार साइबर हैकर था, आई मीन क्वेश्चन बताए थे मैम, इस बार क्लास में आई विल हैक द क्वेश्चन. अच्छा,
मैम कर्ता के डेथ के बाद अगर उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं रहा तो उसकी प्रॉपर्टी होल्डर कौन होगा? तो उस तरह के बिजनेस जो होते हैं ना, उसमें एग्रीमेंट थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो मैम प्लस पे रेज योर हैंड ऑप्शन मस्त है। हाँ मस्त है। हाँ तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि उसमें जो है ना, जैसे मान लो अगर कोई नहीं रहे तो उसके सारे मतलब कि वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा है, इन दैट सिनेरियो प्रॉपर्टी किसे जाएगा, कौन कंटिन्यू करेगा, ठीक है, सारी चीज उस एक्ट में लिखी है। मैम व्हाट इज द करंट मैक्सिमम पार्टनरशिप, पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, पूरा दैट डिपेंड्स। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी मैक्सिमम 10, तो वो डिपेंड करता है। ओके तो फर्म की एग्जिस्टेंस किस पर अफेक्ट करती है? ये तीन चीज पे याद रखना, डेथ, ल्यूनेसी, इनसॉल्वेंसी। तो ये अगर होता है तो क्या होता है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा है कितने सारे नंबर ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, तो कंपनी एक्ट 2013 कहती है ना कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 100, ठीक है। लेकिन आई थी कंपनीज एक्ट 2014, यहाँ पे रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50 ओनली, ठीक है, 50 हो सकता है। हेलो सुमन, तो 50 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ बैंकिंग के लिए बताया गया है कि मैक्सिमम कैन बी 10, नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 10 पार्टनर्स, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो। अब यहाँ देखो इसके प्रॉफिट, सॉरी इसके मेरिट्स क्या है, इसको आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हो, आसानी से क्लोज भी कर सकते हो। बस एक चीज जरूरी है कि सारे पार्टनर से कंसेंट होना। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2014 रूल टू, हियर इट इज रिटन रूल 10 कंपनीज एक्ट, इसके अकॉर्डिंग 50। हाय तान्या, तो यहाँ पे देखो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सारे पार्टनर से रजामंदी होना बहुत जरूरी है। कंसेंट ले लो, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो, आराम से बंद कर सकते हो। यहाँ पे फाइनेंस देखो, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्रेटर आप यहाँ पे ज्यादा लगा सकते हो, क्योंकि अब दो लोग तीन लोग मिलकर के ना हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कैपिटल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कैपिटल हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। बैलेंस डिसीजन होगा क्योंकि यहाँ हम सभी से सभी की राय लेते हैं। अगर मान लो इस चीज को, इस चीज के अगर नेगेटिव साइड्स अगर हमने नहीं देखा, तो हमारा पार्टनर है जो नेगेटिव साइड्स भी देखता है, तो वो उस साइड को दिखाएगा हमें। तो इससे कहीं ना कहीं डिसीजन अच्छे से लिया जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं फिर जाकर के डिसीजन लेते हैं, अकेले कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, यहाँ पे हम रिस्क को भी शेयर करते हैं। यहाँ पे मेरा पार्टनर भी है मेरे साथ, जो सारे दुख के घड़ी में, सुख के घड़ी में वो मेरे साथ निभाएगा। अगर मेरे साथ वो प्रॉफिट लेगा तो कहेंगे चलो इधर आओ, अब लॉस हो रहा है तो लॉस भी तुम्हें क्या करना है, शेयर करने हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर सुख और दुख दोनों ही घड़ी में साथ देता है। ओके आप देखो यहाँ पे लिमिटेशन बुरा या क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, जो भी रिसोर्सेस पार्टनर्स ला सकते हैं बस उतना ही ला सकते हैं, उससे ज्यादा तो वो ला नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा तो अच्छा ला नहीं सकते हैं। यस पूरब सोनी, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर्स की, वो काफी अनलिमिटेड होती है। इन केस अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं कर्ज को, तो क्या होता है, उनके घर पे भी उनके पर्सनल एसेट को यूज किया जाता है ताकि आप डेट को रीपे कर सके, यू कैन रीपे द डेट। ओके और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब ये अपने ना अकाउंट्स को, अपने रिपोर्ट्स को ये पब्लिश कहीं करते नहीं हैं, तो इस इन दैट सिचुएशन पब्लिक को पता नहीं है कि ये बिजनेस प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, पब्लिक इज कम्प्लीटली अनअवेयर। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत कम देखा जाता है ऐसे बिजनेस की तरह। अब देखेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने तरीके के होते हैं। तो पहला जो है एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर दिन रात मेहनत करता है बिजनेस में, एक कहते हैं ना दिन रात एक करके मेहनत करता है, वो कैपिटल भी लाता है, वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है और प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा लेता है, साथ ही साथ उसकी लाइबिलिटी। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लू दूंगी बच्चा, जिससे आपको ये चीज ना अच्छे से याद रहेगा। मेरे पेन का चला जस्ट अ मिनट, यस आई गॉट इट। अरे कैसा भी पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। पार्टनर की टैग लगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहाँ पे याद ध्यान रहो कि जो कैपिटल लाएगा उसी को प्रॉफिट लॉस में हम हिस्सा देंगे। तो एक्टिव पार्टनर वो कैपिटल लाता है तो देखो प्रॉफिट लॉस में हिस्सा है,
स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल आया तो उसको प्रॉफिट लॉस में हिस्सा है, सीक्रेट पार्टनर भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो प्रॉफिट लॉस में हिस्सा है, नॉमिनल पार्टनर भी, नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपना नाम देता है कि तुम मेरे नाम को इस्तेमाल करो बट आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ सिंगल पेनी, एक फूटी कौड़ी भी हम कंट्रीब्यूट करने नहीं जा रहे हैं, बस मैं अपना नाम तुम्हें इस्तेमाल करने दूंगा, मेरा नाम इस्तेमाल करना इससे फायदा हो रहा है तो करो, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग, तो नॉमिनल पार्टनर कैपिटल तो नहीं ला रहा है तो इसलिए उसको प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सा नहीं मिलेगा, पार्टनर बाय स्टॉप है तो ये भी कैपिटल नहीं ला रहा है, इस वजह से उसे भी प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये भी नहीं ला रहा है कैपिटल तो प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, एक्टिव पार्टनर जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में, ठीक है, एक्टिव नाम ही लिखा है एक्टिव, एक्टिव काम करते हैं, स्लीपिंग सोते रहता है तो इसका क्या मतलब होता है, वो डे टू डे मैनेजमेंट में क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब हमने क्या देखा है कि अब ये देखो सीक्रेट पार्टनर बता दें, सीक्रेट पार्टनर क्या होता है ना कि वो अपना बिजनेस से रिलेशन ना जनरल पब्लिक को नहीं बताता है कि हम बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो ये बात ना जनरल पब्लिक को नहीं बताता है, लेकिन वो बैक एंड से काम करता है पीछे पीछे, वो जनरल पब्लिक के नजर में अपनी जो एसोसिएशन होती है ना बिजनेस से वो डिस्क्लोज नहीं करता है, वो नहीं बताता है कि आई एम कनेक्टेड विद दिस बिजनेस, बट वो काम करता है बट सीक्रेटली काम करता है, ठीक है, ओके, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आखिर ये लोग करता क्या है, ये पीछे के तीन लोग, अब ध्यान देखो नॉमिनल पार्टनर क्या कहते हैं, तुम सिर्फ मेरे नाम को यूज कर सकते हो, यू कैन ओनली यूज माय नेम, बाकी चीजें हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कल को मान लो कोई थर्ड पार्टी आई और अगर बोली कि इस बिजनेस का कुछ पैसा ड्यू है तो क्या ये लायबल होगा, क्या ये लायबल होगा, क्या ये लायबल होगा, तो आंसर इज यस, वो भी लायबल होगा, तो पार्टनर है तो उसको लायबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई वर्ड्स बोल दिया, कोई आपने हरकत ऐसी कर दी जिससे कि बाकी लोगों को लगता है आप बिजनेस के क्या है, पार्टनर है, तो अगर आपका वर्ड या आपकी कोई हरकत जिससे पता चलने लगा आउटसाइड वर्ल्ड मतलब दूसरी लोगों को, थर्ड पार्टीज को या कोई और भी लोग हैं जिनको लगने लगा है कि आप क्या है, आप क्या है, आप बिजनेस के मुझे वॉइस को चेक करना पड़ेगा, बिजनेस के पार्टनर हैं, अभी भी नहीं आ रही है, is this audible? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, अब बता दो, अब ठीक है, अब ठीक है, आई थिंक ये चल सकता है, हाँ चलो, व्हाट आई वाज डूइंग, पार्टनर बाय स्टॉपल, तो ये अपनी हरकत से बताते हैं ना कि हाँ मतलब यू आर कनेक्टेड विद द बिजनेस, अब पार्टनर तो बन गए ना, चाहे हरकत से बोलो बनो या किसी, Why there is need of secret partner? जरूरत होती है secret partner की जब हमें कुछ important information, हम चाहते नहीं है कि ये भी partner है ये बताना जरूरी नहीं है। अब देखो next आता है partners by holding out, मतलब आपको आपने ना आपको ना मैंने नाम use करने का permission दे दिया और किसी तरह से आपने नाम ही नहीं कहा, मतलब कि अगर मैं आपके नाम को use कर रहा हूँ public के सामने कि आप मेरे partner हो, business के partner हो और आपको पता है
कि मेरे नाम को यूज किया जा रहा है, आप किसी तरह से डिनाई भी नहीं कर रहे हो, मना भी नहीं कर रहे हो कि आई एम नॉट द पार्टनर, मैं पार्टनर नहीं हूँ, आप मना भी नहीं कर रहे हो इन दैट सिचुएशन. तो इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. जब आपने परमिशन भी दे दिया, साथ ही साथ आपको पता भी है कि आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी पता है मतलब आपको पता है आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. अब क्या हम माइनर को पार्टनर के तौर पे यूज कर सकते हैं? तो माइनर को हम पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन हम उसे यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए हम उसे पार्टनर के लिए एडमिट कर सकते हैं. तो क्या इसे माइनर को अपॉइंट करने के लिए हम किसी से पूछेंगे नहीं? तो डेफिनेटली हम पूछेंगे ना, हम डेफिनेटली पूछेंगे पार्टनर से, अपने पार्टनर से, क्योंकि जो भी यहाँ पे पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर डिसीजन लिया जाता है वो म्यूचुअल कंसेंट, मतलब सबकी रजामंदी होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट बाय ऑल द पार्टनर्स, तभी हम उस डिसीजन को ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी डिसीजन क्यों ना हो. तो माइनर को अगर आप अपॉइंट करना चाहते हो जिससे आपको लगता है आपके बिजनेस को फायदा होने वाला है, तो बस ध्यान रखना बच्चा कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा. सारे पार्टनर अग्री करते हैं तो देन यू कैन गो अहेड विथ योर प्लान्स. उसके बाद क्या माइनर को प्रॉफिट और लॉस दोनों बेयर करना पड़ता है? तो आंसर इज नो. माइनर 18 साल ही कम उम्र का बच्चा है ना, तो उसको हम लॉस का झमेला क्यों दे, लॉस का झमेला नहीं देते हैं. तो माइनर को लॉस से कोई मतलब नहीं है, माइनर को बस और बस सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है. अच्छा, ये भी मन में आ रहा होगा ना कि मैम अगर माइनर 18 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, तो क्या अब उसके साथ क्या होगा, क्या वो फर्म छोड़ करके चला जाएगा? तो नहीं, वो नोटिस देगा कि हम वेदर आई वॉन्ट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट, क्योंकि अब तो 18 साल के हो गए, तो आप पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं. और अगर अच्छा कब तक नोटिस देना है, तो विद इन 6 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 6 मंथ आपको नोटिस देना होगा. अगर आपने नहीं दिया तो क्या होगा, इन दैट सिचुएशन मान लिया जाएगा कि आप उस बिजनेस के एक एक्टिव पार्टनर हो. डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि यू आर एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द बिजनेस. ओके, आई एम चेंजिंग द कलर, इसलिए नहीं दिख रहा होगा, कलर की वजह से मैंने कलर चेंज कर लिया. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, जो इच्छा पर होती है. अब इच्छा से हम इसे बंद भी कर सकते हैं. अब दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. यहाँ पे क्या होता है ना, किसी पर्पस के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या कुछ ऐसी बिजनेस जो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद बिजनेस क्लोज हुआ तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म. आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे. ठीक है, दूसरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. अब एक होता है जनरल पार्टनरशिप. यहाँ पे क्या होता है कि सारी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, और जो वो ज्वाइंट होती है. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आपको मन है तो कराओ, आपको मन है तो नहीं कराओ, तो दैट इज नॉट कंपल्सरी. अब क्या ऐसे पार्टनर को हम खत्म कर सकते हैं? तो ऐसी पार्टनरशिप की जो एग्जिस्टेंस होती है ना, वो अफेक्ट होती है काफी ज्यादा डेथ से, लुनेसी से, इंसॉल्वेंसी से, रिटायरमेंट से, और ये सारी चीजें हैं जिससे अफेक्ट होती है. तो अच्छा, ये चीज याद रखना, जनरल पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑप्शनल होती है, आप पर डिपेंड है, आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करवाओ. हेलो ट्रिनिटी वॉरियर, अब तो दिख रहा होगा बोर्ड पर जो लिख रही होंगी. अब लिमिटेड पार्टनरशिप, ये नया आया हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, कम से कम एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी क्या हो, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो. और बाकी सारी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए, बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए. तो लेकिन कम से कम एक ऐसा हो जो पूरे जिम्मेदारी को उठा सके. सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट्स, ऐसे पार्टनरशिप को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं अगर किसी का डेथ होता है, लुनेसी होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, तो यहाँ पे ये सारी चीजों से अफेक्ट नहीं होती है. तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है बच्चा, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है. एक टेबल बनाना खूबसूरत सा कॉपी में, उसमें डिफरेंस करना, डिफरेंस बिटवीन जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. ये क्वेश्चन, इट इज योर होमवर्क. अब देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है. डीड, दिस इज अ काइंड ऑफ रिटन अग्रीमेंट. ये एक रिटन अग्रीमेंट होता है, स्टाम्प्ड पेपर, मतलब वहां पे गवर्नमेंट का, जब स्टाम्प पेपर की बात करते हैं तो समथिंग गवर्नमेंट ऑथराइज होती है, जहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन को बताया जाता है पार्टनरशिप के, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को की माइनर पार्टनर्स लेसन व्हेन ही ग्रोज ही चूज.
हाँ उसके मैम प्लीज एक्सप्लेन द मेजर पार्ट है बच्चा. देखो हमारे पास आज टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है सुमन, ठीक है सुमन थोड़ी सी लिमिटेशन है हमारे पास टाइम की. तो बच्चा अपना वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो एक बार आप रिकॉर्डेड को देख लेना ना पीछे करके. हाँ थैंक यू अर्चिता फॉर हेल्पिंग हर. इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन, हेल्प करना किसी की. बहुत अच्छी अच्छा लगता है क्लास में देख करके ऐसी चीजें भी होती है. तो ये रिटर्न अग्रीमेंट होता है, रिटर्न ये चीज याद रखना, रिटर्न अग्रीमेंट होता है, ओरल नहीं होता है. पार्टनरशिप में डीड में क्या होता है, नाम होता है कंपनी का, बिजनेस कैसे आप कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस है, लोकेशन कहाँ है, ड्यूरेशन कितनी है, हर पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, प्रॉफिट लॉस का किसको ज्यादा मिल रहा है किसको कम मिल रहा है, बराबर हो रहा है किस तरह की, एवरीथिंग इज मेंशन. ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर, सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग द एडमिशन, कैसे पार्टनर की एडमिशन, अगर कोई नया इंसान पार्टनरशिप में आना चाहता है दैट्स कॉल्ड एडमिशन. कोई पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहता है वी कॉल इट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट. देन देयर इज वन एक्सपल्सन. आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी आप चीजें ना अकाउंट्स में पढ़े होंगे, ये सारी चीजें आपने अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ा होगा. प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कैसे फर्म को डिसॉल्व करना है, अकाउंट्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी ऑडिटिंग कैसे करना है, कैसे अगर मान लो किसी पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ हो जाए तो कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. बात होती है रजिस्ट्रेशन की, अगर मान लो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो क्या इसके फायदे हैं या क्या इसके नुकसान है, तो इसके फायदे ही फायदे हैं. जैसे मान लो अगर आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, आपको कानून के नजर में ना आपकी एक एग्जिस्टेंस है, कानून के नजर में आपकी एक एग्जिस्टेंस है, इसका एक प्रूफ है आपके पास. क्योंकि आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन जब कराओगे तो आपको सर्टिफिकेट दी जाती है, अंडरस्टूड, सर्टिफिकेट मिलती है. तो इससे पता चलता है कि आपके नाम की फर्म, जो भी आपका फर्म का नाम है, इस नाम की फर्म जो है ना बिजनेस में आपके नाम की फर्म जो है ना एग्जिस्ट करती है कानून की नजर में. तो आप बताओ कानून की नजर में आप एग्जिस्ट करते हो तो इससे तो फायदा मिलेगा. तो क्या फायदा मिलेगा, आप किसी के खिलाफ केस भी कर सकते हो. अब आप केस कर सकते हो तो आप पे भी तो कोई केस कर सकता है ना, तो आपके खिलाफ भी कोई केस कर सकता है. इवन अगर आप चाहते हो कि अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड, अच्छा अगर आप चाहते हो कि मतलब दूसरी कोई कंपनी है उसके पार्टनर्स पे केस करना, या आपके अपने ही पार्टनर्स के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये सारे मैटर्स को आप ले जा सकते हो कोर्ट में, क्योंकि आप कानून के नजर में एग्जिस्ट करते हो. तो ये सारे फायदे हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, कि आपके ऊपर भी केस हो सकता है. ये तो फायदा नहीं है, मतलब ये सारे पावर आ जाते हैं कि आपके ऊपर भी केस हो सकता है, आप भी केस कर सकते हो. तो यहाँ देखो ये सारे नॉन रजिस्ट्रेशन वाले के लिए ये सारे नुकसान है, अगर ये सारे नॉन रजिस्टर्ड है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. तो नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स जो होते हैं ना, वो केस सूट नहीं, मतलब केस नहीं कर सकते हैं किसी भी फर्म के खिलाफ या किसी भी अदर पार्टनर्स के खिलाफ. जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म होते हैं वो केस नहीं कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट. नॉन रजिस्टर्ड फर्म केस नहीं कर सकते हैं किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट. तो ये सारे चीज हैं जो होते हैं कब, जब रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराओगे. तो जस्ट उल्टा कर दो ना इन सारे पॉइंट्स को, जस्ट आप रिवर्स कर दो, तो इससे क्या आंसर मिल जाएगा, ये सारे फायदे हो जाएंगे आपके अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो. तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो पहले तो आप एप्लीकेशन सबमिट करो, किसको, तो ROF को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को. जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे ROC आता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को आप क्या करो, एप्लीकेशन सबमिट करो, जहाँ पे लिखो कि लोकेशन, ये सारी चीजें मेंशन करो. अब इस रजिस्ट्रेशन मतलब इस एप्लीकेशन पे कौन साइन करेगा, तो सारे पार्टनर्स साइन करते हैं. उसके बाद जो भी फीस मांगते हैं आप उनको दो, और उसके बाद वो क्या करेंगे, सारी चीज को वेरीफाई करेंगे, सारे पेपर्स को देखेंगे, अगर जेन्युइन पाया गया, एवरी डिटेल इज फाउंड टू बी जेन्युइन, तब जा करके आपको क्या करना है, आपको मतलब वो देंगे क्या, सर्टिफिकेट देंगे. क्या देंगे, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप एक क्या बन गए, आप कानून की नजर में आपकी एक एग्जिस्टेंस का प्रूफ हो गया कि आप एग्जिस्ट करते हो कानून की नजर में. तो रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल वो सारी चीजें देखते हैं, फिर वो अपनी एक रजिस्टर उनकी होती है, वहां आपके नाम को मेंशन कर देते हैं. अब क्या वो फ्री में करते हैं, नहीं, इसके लिए वो पैसे कुछ लेते हैं. अब जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा. अ पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कॉमन पीपल हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग. उनका जो पार्टनरशिप जब करते हैं बिजनेस, तो वहां पे सेम ऑब्जेक्टिव होता है, डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है, नन होता है.
वाओ वर्षिता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द आंसर. ए, सेम ऑब्जेक्टिव, दैट्स करेक्ट. ए आंसर क्या होगा? ए होगा. उसके बाद बताओ, अ पार्टनर ऑफ एन डैश फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ फर्म और द अदर पार्टनर्स. क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ इसके आंसर क्या होंगे. पार्टनर ऑफ डैश फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड बोथ ए एंड बी. नन. हाय नवराज. बी, पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, करेक्ट. अब चलो हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, दैट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. अरे कहाँ चला गया? I'm good, Navraj. चलो अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की. कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, वो लोग एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं और वहां पे वो फिर कुछ अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं और कॉमन पर्पस वो अचीव करते हैं. यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, वो अपनी इच्छा से आते हैं और प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे जनरली जो मेंबर्स होते हैं ना उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है. अब यहाँ पे कितने सारे मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? मिनिमम 10 एडल्ट, एडल्ट मतलब 18 प्लस, ये चीज याद रखना. मिनिमम 10 एडल्ट लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. किस एक्ट के अंदर ऐसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? तो दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. सो क्या इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? आंसर इज यस, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी ऑफ सच एक्ट. तो यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है, लोग अपनी इच्छा से आते हैं. अब जैसा हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होने से उसको एक लीगल लीगल मेंबरशिप, मतलब कानून के नजर में कुछ एग्जिस्टेंस होती है उसकी. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सारे मेंबर्स को उतना ही कंट्रीब्यूट करना होता है जितना उनसे कैपिटल कहा जाता है. अगर मान लो 5,000 आपको कंट्रीब्यूट करना है एज कैपिटल, तो मतलब 5,000, 5 से आपको 6,000 भी नहीं मांगेंगे वो. कंट्रोल क्या है? देखो सारे के सारे डिसीजन साथ में मिलकर के वो लोग लेते हैं. अब देखो जनरली क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जनरली जो डिसीजन लेने का अधिकार होता है वो आता है मैनेजिंग कमेटी के. मैनेजिंग कमेटी जो होते हैं ना वो डिसीजन लेते हैं.
अब ये मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट कैसे होती है, तो सारे मेंबर्स इसके लिए वोटिंग करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना, हम गवर्नमेंट चूज करते हैं थ्रू द वोटिंग सिस्टम। तो लाइक द सेम वे क्या होता है, यहाँ पे भी वोटिंग सिस्टम को अप्रोच किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, यूज किया जाता है। सर्विस मोटिव होता है, मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सर्विस मोटिव होता है यहाँ पे, वेलफेयर करना, कल्याण करना। तो अच्छी बात क्या है, यहाँ पे वोटिंग सिस्टम अवेलेबल है, वैसे लोग डिसीजन लेंगे ना जिनको हम इलेक्ट करेंगे, और इलेक्ट करेंगे किनको, जिनको हम वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने मन से कोई भी मेंबर नहीं बन जाएगा, कोई भी मैनेजिंग कमेटी का पार्ट नहीं बन जाएगा, और कोई भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। वो जो डिसीजन लेगा वो लेगा, वो इंसान लेगा जिसको हम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड मतलब जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, आपको उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है जितना कि कैपिटल कहा गया है, उससे ज्यादा नहीं है। कैन स्यू एनीवन, अच्छा उसके बाद है स्टेबल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जो होती है ना वो स्टेबल होती है, मेंबर के आने जाने से, मरने से, पागल होने से, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो होते हैं ना मिडिल मैन का, कहते हैं ना मिडिल मैन, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच में आते हैं, और जिस वजह से प्रोडक्ट जो भी होते हैं ना उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाता है, खत्म किया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। इससे कंज्यूमर क्या होते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलता है। अब इतने अच्छे काम करोगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, पता है इसका ना नुकसान भी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना तो गवर्नमेंट नजर भी रखती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है, तो गवर्नमेंट बोलती है आपको कम टैक्स देने हैं, सब्सिडीज देते हैं, और लो रेट्स ऑन, लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, अगर आप लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। ऐसे सोसाइटी का फॉर्मेशन करना बहुत आसान भी है, बस आप 10 एडल्ट मेंबर को इकट्ठा करो, 10 एडल्ट, आई एम टेलिंग एडल्ट, 10 एडल्ट मेंबर्स को इकट्ठा करो, आप सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करवा लो। थोड़े बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज भी हैं। तो कौन सी एक्ट है इन्वॉल्व, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। बुराइयां क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है। अब देखो लिमिटेड कैसे है, तो जैसे मान लो जो भी आ रहा है किन से, मेंबर से आ रहा है, वो उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना जितना मेंबर दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे डिविडेंड रेट भी जो होता है ना वो काफी कम होता है जो ऑफर किया जाता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो। इनएफिशिएंसी देखी जाती है मैनेजमेंट में, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट को वो हायर कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको उतनी ज्यादा सैलरी कहाँ से देंगे। एक तो बेचारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए थोड़ी काम कर रहा है, तो पैसे भी कम है। आप एक्सपर्ट को अगर अपॉइंट करोगे तो वो भी सैलरी तो लेंगे ना। लैक ऑफ सीक्रेसी होता है, क्योंकि सारे मेंबर को सारी बातें बताना पड़ता है। यहाँ तो मिनिमम कितने हैं, 10 है, 10 से तो ज्यादा जाएंगे ना, 10 से ज्यादा जाएंगे, तो सारे सारे लोगों को आप इन्फॉर्मेशन सारी बातें बताओगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है वो खत्म होती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे देखा जाता है। अब बताया था ना मैंने, अगर गवर्नमेंट आपको फायदा दे रही है तो गवर्नमेंट अपनी नजर भी तो रखेगी आपके ऊपर। डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन में, जहां बहुत सारे लोग होंगे तो ओपिनियन क्या सबके सेम होंगे, नहीं, अलग अलग होंगे। इससे कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्लिक्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। कितने तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो 5 तरह की है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, सारे कंज्यूमर मिल करके बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वो लोग मिडिल मैन को खत्म करते हैं और डायरेक्ट गुड्स कहाँ से लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से, और फिर जाकर के सारे मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड नाउ द गुड हैज बिकम एट, मीन्स कह सकते हैं उसकी प्राइस कम हो गई, रीजनेबल कॉस्ट में मिल रहा है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होते हैं कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर के ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके और बहुत सारी चीजें सप्लाई कर सके। जब छोटे छोटे सारे प्रोड्यूसर मिलेंगे तो एक बड़ा सा प्रोड्यूसर बन जाएगा ना, एक बड़े प्रोड्यूसर वो बन जाएंगे। तो जनरली क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर की कोई अपनी अस्तित्व नहीं होती है, तो सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर मिलकर के एक बड़े प्रोड्यूसर बन जाते हैं और फिर जाकर के वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल को। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे क्या होता है, वो आपके सामान को मार्केट में बिकवाने में मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको उतना ज्यादा उनका कैपिटल नहीं होता, उतना ज्यादा उनके पैसे नहीं होते कि वो प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सके। तो इनका काम होता है कि जितने भी मिडिल मैन है इनको एलिमिनेट करके आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएंगे। उसमें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, वेयर हाउसिंग की, पैकेजिंग की, ये सारी चीजें भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और फिर जाकर के अगर कोई प्रॉफिट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे मेंबर्स के बीच में, जिस हिसाब से उन्हें उन्होंने अपना कैपिटल लगाया था उस हिसाब से वो प्रॉफिट मिलती है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जब लैंड छोटा 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 होता है, फार्मर्स का डिवाइड किया हुआ होता है, तो बहुत सारे लैंड वेस्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो सारे फार्मर कहते हैं क्यों ना हम लोग सब मिल जाते हैं और फिर जाकर के प्रोडक्शन करते हैं। तो वो सारे बैरियर को हटा देते हैं, सारे
सारे जैसे ये छोटे छोटे लैंड है ना, तो यहाँ पे बाउंड्री लगाने के लिए बहुत सारा लैंड तो वेस्ट हो जाता है। ये सारे फार्मर कहते हैं चलो सारे बैरियर को हटा दो, सारे लैंड को एक मिला दो, तो अब लैंड क्या हो गया, बड़ा हो गया, लैंड क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो इजिली क्या कर सकते हैं, वो इजिली क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो वेस्ट लैंड पहले हो रहा था, अब तो वेस्ट लैंड भी नहीं होगा, सारे फार्मर ज्यादा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा तो सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये है फायदे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। एस इतना ही नहीं बल्कि ये सारी सोसाइटी क्या करती है, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और अदर मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज करते हैं इस तरह के क्रॉप्स को, मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है बच्चा, मैम प्लीज एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट, किस टॉपिक का बता दो, थर्ड पॉइंट किस टॉपिक का अच्छे से लिख दो तब समझ सके। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हेलो अमन, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, यहाँ पे आपको क्रेडिट लोन प्रोवाइड किया जाता है एट रीजनेबल इंटरेस्ट। होते क्या है ना, मनी लेंडर लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोगों पे, और बहुत बार उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द मनी लेंडर, लोग सारे मिल करके क्या करते हैं, ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे उनको रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल सके। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम, अच्छा छह, सॉरी स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था ना पांच कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो देयर वी हैव सिक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है घर का, बहुत सारे लोग पूरा नहीं कर सकते क्योंकि घर बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, खरीदने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। हाँ निमित, अब तो खत्म होने वाला है बच्चा, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना निमित, नो प्रॉब्लम। तो घर बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम को एक तरीके से खत्म किया जा सकता है। क्या खत्म, कैसे खत्म किया जा सकता है, तो सारे वैसे लोगों का एक ग्रुप बना दो जिनको कि ऐसा, जिनका की डिजायर हो, ख्वाहिश हो कि घर होना चाहिए। अब वो सारे लोगों के ना पैसे को इकट्ठा करो, अब क्या करो, आप उनके लिए ना एक ड्यूप्लेक्स बनवा दो, अपार्टमेंट बनवा दो, और बाकी को ना सबको एक एक फ्लैट दे दो। तो इससे क्या हो गया, सबके पैसे भी एक जगह इकट्ठे होगा, सबका जो सपना था वो भी पूरा हो गया। तो सारे मेंबर्स को फिर क्या करता है, प्लॉट दे दिया जाता है, या तो बहुत बड़े से प्लॉट को खरीद के थोड़ा थोड़ा प्लॉट किसको दे दिया जाता है, सारे मेंबर्स को जिसने ने भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया था, या फिर एक ड्यूप्लेक्स या अपार्टमेंट बना दिया जाता है, इसमें एक एक फ्लैट सारे मेंबर को दे दिया जाता है। तो इनके सपने भी पूरे हो गए। तो यहाँ पे देखो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, यहाँ पे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। तो ये था बच्चा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। और आज हमारी लगता है ज्वाइंट स्टॉक नहीं हो पाएगी, डोंट वरी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की ना मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। नहीं तो आई विल ट्राई टू टेक द सेशंस ऑन 31st, ऑन 31st और 30th ऑफ दिस मंथ, 30 तारीख को या 31 तारीख को मैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का सेशन लूंगी, ठीक है। तो आज ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट अभी, क्योंकि 8:30 में हमारी अनअकैडमी पे क्लास है ना, तो आ जाओ बच्चे अनअकैडमी पे। इज इट ओके एवरीवन, क्या ओके है ना। और ऐसे भी बच्चा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की रिकॉर्डेड सेशंस है बहुत सारी पड़ी, अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो ऑन 30 और 31st आई एम गोइंग टू टेक दैट सेशन, ओके। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। इसी तरह से पढ़ते रहो, खुश रहो, बढ़ते रहो, और मैम को ढेर सारा प्यार देते रहो, और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मुझे फटाफट से ज्वाइन कर लो, ओके। मिलते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे 8:30, शार्प 8:30 पे मिलते हैं, ठीक है। सभी बच्चे मुझे दिखना चाहिए, सभी बच्चे मुझे दिखना चाहिए, और जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया है फटाफट से जाओ ना बच्चे, फॉलो कर लो मुझे अनअकैडमी पे, ओके ओके। सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मैं फिर से करवा दूंगी, ओके, ट्रस्ट कर लेना मेरे पे इतना सा। बाय, टेक केयर।